यूनिवर्स में सन एक अकेला एक जो है एक ऐसा एनर्जी देने वाला जो है आपका एक आग का गोला है जो कि सारे प्लैनेट्स इसके रिवॉल्व करते हैं। कौन से ऐसे नंबर्स या फिर कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जिन लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती है? चार नंबर राहु का नंबर है और एक नंबर सूर्य का है, इसी वजह से दोनों आपस में एंटी हैं। आप भी एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर भरी हुई होती हैं। नमस्कार, मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी हीलर हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं NBT लाइव पर। आज न्यूमरोलॉजी अनलॉक्ड में हम बात करेंगे नंबर्स की, हम बात करेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ की, बात करेंगे पर्सनालिटीज़ की, आपकी पर्सनालिटीज़ कौन से नंबर्स के साथ किस तरीके से मैच होती हैं इस बारे में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से प्लैनेट्स आपको गवर्न करते हैं और किस तरीके के प्लैनेट्स की गवर्नमेंट और साथ में उनके पर्सनालिटीज़ आपके ट्रेड्स के साथ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं पहले, सबसे पहले नंबर वन वालों के लिए, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुई है, यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को, वह लोग जो होते हैं वो सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो सन प्लैनेट है सूर्य वो आपको गवर्न करता है। तो देखिए, अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें, एक नंबर की फॉर्मेशन को देखें, तो एक ये एक अकेला एक नंबर खड़ा हुआ है, ना इसके बाएं कोई है ना इसके दाएं कोई है, तो यानी कि ये अपने आप में एक राजा है। इसी तरीके से अगर आप सन को देखते हैं तो यूनिवर्स में सन एक अकेला एक जो है एक ऐसा एनर्जी देने वाला जो है आपका एक आग का गोला है जो कि सारे प्लैनेट्स इसके रिवॉल्व करते हैं, राइट, सारे प्लैनेट्स इसके आगे पीछे चक्कर काटते हैं, तो ये भी अपने आप में एक राजा है। तो इसी तरीके से यही ट्रेड्स आपके प्लैनेट्स आपके पर्सनैलिटी में भी देखे जा सकते हैं। आप भी एक तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर भरी हुई होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक नंबर की, 10 नंबर की या फिर 19 और 28 की, तो ये लोग जो है ना बहुत ही कम्युनिकेशन इनका बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बात करें, ये लोग जो है बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं, लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं। इस तरीके से इनके अंदर बहुत सारी बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। साथ में अगर देखिए, अगर हम नंबर वन की बात करें तो जो है नंबर वन सन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो और जो सन है वो क्या देता है, एनर्जी देता है, वो सबको जो है खुश रखता है और साथ में पूरे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं, जिसका मतलब है कि सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए लोगों को का जो इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटी में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सभी लोग उनके आसपास रिवॉल्व करते हैं या फिर उनके सपोर्ट के लिए हमेशा उनसे एडवाइस लेने आते हैं। तो देखिए कितना ही स्ट्रॉन्ग नंबर हुआ ये, है ना। अगर हम बात करें 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख वाले लोगों की, तो देखिए ये लोग जो है ना गवर्नमेंट में किसी ना किसी तरीके से हमेशा जुड़े रहते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है कि ये बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं। तो कितना ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, कितनी पावर है इसके अंदर, इतने एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि इन लोगों के साथ किस नंबर्स की जो है कंपैटिबिलिटीज़ बहुत अच्छी जाती है, यानी कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ के लोग इनके साथ हमेशा कंपैटिबल होकर रहते हैं या प्यार से रहते हैं, या फिर कौन से ऐसे नंबर्स या फिर कौन सी ऐसे डेट ऑफ बर्थ हैं जिन लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती है, तो आइए जानते हैं ये नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कंपैटिबिलिटी की, तो इनकी जो कंपैटिबिलिटी है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख वाले लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है वो सबसे बेस्ट जो रहती है वो नंबर 5 के साथ रहती है। जी हाँ, 5 नंबर अपने आप में एक प्रिंस होता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक नंबर राजा है सन, और उसी तरीके से 5 नंबर जो है वो उसका बेटा यानी कि प्रिंस हुआ। तो अब बाप बेटे की तो डेफिनेटली अच्छी बनेगी, राइट। तो इसलिए हमेशा 1 नंबर की 5 नंबर के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है।
बात करूं अगर तीन नंबर की, तो एक नंबर की तीन नंबर के साथ भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। अगर आप तीन नंबर को देखें तो वो क्या है, एक नंबर राजा हुआ तो तीन नंबर क्या हुआ, मंत्री हुआ। तो मंत्री हमेशा जो है राजा के साथ ही पाया जाएगा। कोई भी सजेशंस हुई, कोई भी कंट्री के बारे में बात हुई, तो मंत्री हमेशा आगे रहेगा राजा के साथ, है ना। इसी तरीके से इन दोनों की एडवाइजरी जो है वो बहुत अच्छे से मैच करती है। ये दोनों अपने आप में एक दूसरे को पूरक करते हैं। अब बात करते हैं नंबर नौ की। जी हाँ, नंबर नौ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एक वालों के लिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो एक नंबर होता है यानी कि एक, दस, उन्नीस, अट्ठाईस, इन लोगों की उन्नीस नंबर, नौ नंबर, स्पेशली नौ नंबर के साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि नौ नंबर जो है वो एक अपने आप में सोल्जियर होता है। जी हाँ, क्योंकि वो कंट्री को बचाता है ना। तो हमेशा सोल्जियर क्या करेगा, कंट्री को बचाने का काम करेगा, और राजा को सोल्जियर सबसे ज़्यादा प्यारा होगा। तो इसी तरीके से अगर हम नौ नंबर की फॉर्मेशन को देखें तो वो फॉर्मेशन हमेशा जो है नौ नंबर एक नंबर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत ही नंबर जो एक नंबर होते हैं यानी कि एक, दस, उन्नीस और अट्ठाईस वाले जो लोग होते हैं, इनकी जो है अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। अब अगर आप देखें कि जो नंबर एक है, जो सन जो जिसको गवर्न करता है, सूर्य को देखें किस तरीके से वह सुबह जल्दी जो है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है जब वो उदय होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो अस्त होता है ना। ऐसा तो नहीं कभी आपने देखा होगा कि हाँ भी जो है सूर्य दोपहर को निकल रहा है। वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाला जो है एक प्लैनेट है। इसी तरीके से जो एक तारीख, दस तारीख, उन्नीस तारीख और अट्ठाईस तारीख को जो पैदा होते हैं, वो लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। इन लोगों का डिसिप्लिन इतना अच्छा होता है कि कभी कभार उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वो कभी कभार एग्रेसिव भी हो जाते हैं। क्योंकि एक नंबर अपने आप में एक राजा है, तो अगर राजा में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव भी होंगी, है ना। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ का, इनको हर तरीके का एक्सपीरियंस होता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से स्टबन हो जाते हैं चीज़ों को हमेशा समझने के लिए। हर चीज़ को बहुत ही अपने हिसाब से ही हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हो, बॉसी हो जाते हैं। इस तरीके से ये नंबर जो है काम करता है। आइए बात करते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी किन नंबर्स के साथ अच्छी नहीं बनती है, यानी कि ये कौन से नंबर्स के साथ इनसे एंटी रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक तारीख, दस तारीख, उन्नीस तारीख और अट्ठाईस तारीख की, तो ये लोग बहुत ही कम जिनके साथ अच्छे से मेल करना चाहते हैं वह है नंबर आठ। हाँ जी, नंबर आठ जो है वो शनि का नंबर है, जो कि शनि प्लैनेट का नंबर है। तो डेफिनेटली सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, दोनों आपस में जो है एक एंटी हैं। इसी वजह से इन लोगों की जो है आठ नंबर के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं निपती है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं जिनके साथ इनकी नहीं अच्छी निपती है, वह है नंबर चार। जी हाँ, क्योंकि चार नंबर राहु का नंबर है और एक नंबर सूर्य का है, इसी वजह से दोनों आपस में एंटी हैं, आपस में इन दोनों की अच्छी मेल नहीं खाती है। तो ये था आज की वीडियो में एक तारीख, दस तारीख, उन्नीस तारीख और अट्ठाईस तारीख के पर्सनालिटी ट्रेट्स और वो कौन से नंबर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबल होते हैं। ये नंबर्स के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो भी आप जो नंबर्स इनके साथ कंपैटिबल है उनके साथ आप जो है पार्टनरशिप करें, वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अगर इस साल आप शादी का सोच रहे हैं तो कंपैटिबल नंबर्स के साथ अगर आप अपने लिए स्पाउस ढूंढते हैं तो वो भी आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये नंबर यानी कि सूर्य का जो प्लैनेट है वो एफिलिएट हो जाता है, यानी कि वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। जिस तरीके से हमने बात करी नेगेटिव रिजल्ट्स की, यानी कि नेगेटिव ट्रेट्स की, कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़ा स्टबन हो जाते हैं या फिर इगोइस्टिक हो जाते हैं, यही ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आपकी पूरी की पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आपका डेट, मंथ और ईयर है, उसमें अगर दो से ज़्यादा बार वन नंबर रिपीट हो रहा है,
तो आपको नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे। तो अब इसके लिए करना क्या है, बहुत ईजी रेमेडी है, प्लीज आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको जो है सूर्य को हर दिन जब भी विद इन राइज ऑफ सन, आपको जो है जब भी सूर्य उगे उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है सूर्य को जल चढ़ाना है। जी हाँ, बस इतना सा काम करिए और आपका सूर्य बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ में गायत्री मंत्र का जाप करना ना भूलें। साथ में कोशिश करें कि आप हमेशा अपने फादर फिगर को हमेशा रिस्पेक्ट देते रहे। जी हाँ, अगर आपके फादर हैं तो आप उनको हमेशा रिस्पेक्ट दें, अगर आपके फादर नहीं हैं तो आप बाहर किसी को जाके, जैसे जो है वृद्धाश्रम जाकर उनको जो है वहाँ जाके जो है उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हो, या फिर आप उनको जो है उनको किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो या उनकी सेवा कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप अपनों का और अपना बिल्कुल ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार।